मैं डॉक्टर सुनील अरोड़ा, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन, ALCS हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक जयपुर। राइनोप्लास्टी जो एक प्रोसीजर है वो एक बहुत ही सिलेक्टिव प्रोसीजर है जो आपको तब ही करवाना चाहिए जब आप अपनी नाक की शेप से सेटिस्फाइड नहीं हो और आपको लगता है कि नाक की शेप फेशियल प्रोपोर्शंस के हिसाब से नहीं है, वो और बेटर होनी चाहिए जिससे कि आप ऑल टुगेदर ज़्यादा अट्रैक्टिव लगें। सो एज अ डॉक्टर, कुछ कैंडिडेट्स जो आइडियल होते हैं राइनोप्लास्टी के लिए वो होते हैं जो कि जिनमें कि फेस की जो ग्रोथ है वो पूरी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, इसके अलावा मेडिकली और फिजिकली वो बिल्कुल फिट हैं, सर्जरी के लिए वो स्मोक नहीं करते, और उसके अलावा उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो रियलिस्टिक हैं और वो प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि हाँ, या पिक्चराइज कर पाते हैं कि सर्जरी के बाद उनकी नोज की शेप कैसी होगी और उनके फेस पे कैसी लगेगी और कैसे फेशियल प्रोपोर्शंस में इम्प्रूवमेंट आएगा जिससे कि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे। इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि जिन्हें हम अच्छे कैंडिडेट्स नहीं मानते हैं राइनोप्लास्टी के लिए, वो अगेन मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वही होते हैं कि जो बहुत यंग होते हैं, जिनमें कि फेशियल जो स्केलेटल होता है उसकी ग्रोथ पूरी नहीं होती है, या फिर जो स्मोकिंग नहीं छोड़ते हैं। इसके अलावा जो मेडिकली अनफिट पेशेंट्स होते हैं या फिजिकली अनफिट होते हैं उनमें भी हम राइनोप्लास्टी एडवाइस नहीं करते हैं, और जिन पेशेंट्स की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं या फिर कुछ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिन पेशेंट्स को, उन पेशेंट्स में भी राइनोप्लास्टी आइडियली नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर राइनोप्लास्टी इन पेशेंट्स में की जाती है तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की वजह से बाद में पेशेंट डिससेटिस्फाइड रहता है और अपने रिजल्ट से खुश नहीं होता है। राइनोप्लास्टी सर्जिकल एज वेल एज नॉन सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करते रहिए। राइनोप्लास्टी से संबंधित आपके पास यदि किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो नीचे दिए गए हमारे फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क करें, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं और हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन को रिप्लाई करने का। थैंक यू।